प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। इस दौरान राष्ट्रपति ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया था। अब धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस समेत विरोधी दलों पर तंज कसे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं विपक्ष के संकल्प की सराहना करता हूं। विपक्ष ने लंबे अरसे तक विपक्ष की बेंच पर बैठने का संकल्प कर लिया है। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। इस दौरान पीएम मोदी ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई और ईडी के एक्शनों पर उठ रहे सवाल का भी जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष की एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है। मैंने लंबे समय तक वहां नहीं रहने का संकल्प लिया है। जबकि विपक्ष कई दशक तक जैसे सत्ता में बैठे थे, वैसे कई दशक तक विपक्ष में बैठने का संकल्प ले लिया है। जिस पर आप मेहनत कर रहे हैं, ईश्वर रूपी जनता आपको जरूर आशीर्वाद देगी। आप अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं, मैं पक्का मानता हूं कि जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप जिस ऊंचाई पर हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दीर्घा में दिखेंगे। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव का साल था, कुछ मेहनत करते, जनता को संदेश देते, लेकिन इसमें भी फेल हो गए। आज विपक्ष की जो हालत है उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ने विपक्ष के होनहार लोगों को उभरने नहीं दिया। हाउस में सांसद हैं, लेकिन वो बोले और उनकी छवि उभरने नहीं दिया, इसलिए उनको यह मौका नहीं दे रही है जनता। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे, कब तक समाज को बांटते रहोगे। अच्छा होता जाते जाते कम से कम इस चर्चा के दौरान कुछ सकारात्मक बातें होती, कुछ सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह विपक्ष ने देश को बहुत निराश किया है। विपक्ष की इस हालत के लिए कांग्रेस पूरी तरह से दोषी है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का अवसर मिला। 10 साल में कई मौके मिले होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, न खुद ऐसा किया, न दूसरे उत्साही युवा सांसदों को ऐसा करने दिया। यंग जनरेशन को इसलिए मौका नहीं दिया कि किसी और का चेहरा न दब जाए। इसके बाद मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं। मैंने सुना है बहुत लोग सीट बदलने का फिराक में हैं। बहुत लोग लोकसभा के बदले अब राज्यसभा में जाना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने आगे कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक प्रकार से तथ्यों के आधार पर, हकीकत के आधार पर एक बहुत बड़ा दस्तावेज है जो देश के सामने राष्ट्रपति जी लाती हैं। इस पूरे दस्तावेज को आप देखेंगे तो उस हकीकत को समेटने का प्रयास किया जिससे देश स्पीड से प्रगति कर रहा है, किसी तेजी के साथ गतिविधियों का विस्तार हो रहा है, उसका लेखा जोखा राष्ट्रपति जी ने दिया है। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति ने 4 मजबूत स्तंभों का उल्लेख किया है, नारी शक्ति, युवा शक्ति, गरीब और किसान, मछुआरे और पशुपालक, इनके सशक्तिकरण से देश विकसित भारत बनेगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन ने कहा, माइनॉरिटी कहाँ है? इसका जवाब में पीएम मोदी बोले, आपके यहाँ नारी, युवा, गरीब, किसान और मछुआरे शायद माइनॉरिटी नहीं है। अब तक देश को टुकड़ों में देखोगे। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आपकी सोच और मर्यादा देश को दुखी करती है। जनता कहती है कि आपके नेता तो बदलते हैं, टेप रिकॉर्डर वही है, कई बात सामने आती है, पुरानी डफली, पुराना राग, चुनाव का टाइम है, कुछ तो अच्छा करते हैं और जाते जाते कुछ बेहतर संदेश देकर जाते हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि देश को एक अच्छे और स्वस्थ विपक्ष की बहुत जरूरत है। देश ने जितना परिवारवाद का खामियाजा उठाया है, उतना ही खामियाजा कांग्रेस ने भी उठाया है। हालत देखिए, खड़गे जी सदन से उस सदन में शिफ्ट हो गए हैं, गुलाब नबी जी पार्टी से ही शिफ्ट कर गए हैं। ये सब परिवारवाद के चक्कर में शिफ्ट हुए हैं। ये सब एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च करने के चक्कर में दुकान को ताला लगाने की नौबत आ गई है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हम किस परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अगर किसी परिवार ने अपने बलबूते पर तरक्की की है तो हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम उस परिवारवाद का विरोध करते हैं जो परिवार पार्टी चलाता है। पार्टी के सारे फैसले परिवार लेता है। अमित शाह के परिवार की पार्टी नहीं है, राजनाथ के परिवार की कोई भी पार्टी नहीं है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवाद की राजनीति चिंता का विषय होना चाहिए। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि किसी परिवार के दो लोग तरक्की करें तो स्वागत है,
10 लोग तरक्की करें तो स्वागत है, लेकिन परिवार ही पार्टी चलाए, उसका बेटा ही अध्यक्ष बने, इसका विरोध होना चाहिए। कांग्रेस एक परिवार में उलझ गई है। देश के करोड़ों लोग परिवार की आकांक्षाएं और उपलब्धियों को देख नहीं सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में एक कैंसिल कल्चर विकसित हुआ है। कुछ कहो कैंसिल, हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, कांग्रेस कहती है कैंसिल। हम कहते हैं वंदे भारत ट्रेन, कांग्रेस कहती है कैंसिल। यानी मैं हैरान हूँ कि यह मोदी की उपलब्धियां नहीं है, ये देश की उपलब्धियां हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने देश के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नेहरू जी ने कहा था कि भारतीय कम काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू जी ने भारतीयों को नीचा दिखाया है। साथ ही उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्र में पराजय की भावना सी है, कांग्रेस का विश्वास हमेशा परिवार पर रहा है। पीएम मोदी ने इस दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आज देश में जिस रफ्तार से काम हो रहा है, कांग्रेस सरकार इस तेजी की कल्पना भी नहीं कर सकती। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए और शहरी गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान बनाए। अगर कांग्रेस की रफ्तार से यह घर बने होते तो क्या होता, तो इतना काम करने में 100 साल लगे होते। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया सराह रही है। G20 समिट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है कि विश्व भारत के लिए क्या कहता है और क्या करता है। आज मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए मैं विश्वास से कहता हूं कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव में 400 के पार सीटें जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा, पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार। खड़गे जी भी कह रहे हैं 400 पार। मैं इन आंकड़ों के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन देश का मिजाज NDA को 400 का पार करने का है, बीजेपी को 370 और NDA को 400 पार सीटें देश की जनता देगी। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने सैकड़ों ऐसे कानूनों को खत्म किया जो अप्रासंगिक हो गए थे। भारत ने अमृत भारत और नमो भारत ट्रेनों से उन्नति की दिशा पर चल पड़ा है। भगवान राम न सिर्फ अपने घर लौटे हैं, बल्कि एक ऐसे मंदिर का निर्माण हुआ है जो कि भारत की महान सांस्कृतिक परंपरा को ऊर्जा देता रहेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व CM कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। 1987 में जब कांग्रेस के पास पूरे देश में उनका झंडा फहरता था, तब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को प्रतिपक्ष के नेता के रूप में मानने से मना कर दिया था। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, मैं जब वोकल फॉर लोकल की बात करता हूं, तो मैं करोड़ों उद्योगों से जुड़े हुए लोगों के परिवारों के कल्याण की बात करता हूं। खादी को सरकारों ने भुला दिया, विपक्षियों ने OBC नेताओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपनी सरकार में काम भी गिनाए। उन्होंने कहा, देश में पहली बार जनजातियों के भी अति पिछड़े लोगों को PM जनधन योजना बनाकर उनके कल्याण का मिशन मोड में काम किया गया है। देश के आखिरी गांव को हमने पहला गांव बनाकर विकास की दिशा बदल दी है। पीएम मोदी ने कहा, मैं भारतीयों के भविष्य के लिए बहुत विश्वास से भरा हुआ हूं। 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। मैंने हमेशा कहा, गरीब को अगर साधन मिले, संसाधन मिले और स्वाभिमान मिले, तो हमारा गरीब गरीबों को परास्त करने का साहस रखता है। बाकी इस पर भी क्या राय है, अपने हिस्से का राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण के दौरान इंदिरा नेहरू के साथ साथ तमाम ऐसे अपने काम भी गिनाए जो BJP सरकार दम भरती रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।